उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक फुल एक्शन मोड में नजर आए। विधायक ताराचंद जैन से जुड़ी एक खबर है, जहां पर एमबी अस्पताल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। विधायक ने एएसबी यूनिट का भी जायजा लिया है। अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर विधायक ने अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, किस तरीके से वहां पर मरीजों को इलाज मिल रहा है, किस तरीके से सुविधाएं मिल रही है, इसका निरीक्षण किया, जानकारी ली। साथ ही साथ मरीजों से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि किसी मरीज को वहां कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, सब काम ठीक तरीके से चल रहा है। इसी को लेकर विधायक ताराचंद जैन ने लोगों से बातचीत भी की और वहां पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। तो एक्शन मोड में विधायक नजर आए, एएसबी यूनिट का भी जायजा लिया, अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां पर प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों से भी विधायक ने बातचीत की और वहां पर व्यवस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उन्होंने जो कमियां थी उन्हें भी दूर करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार कई विधायक एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भी एक्शन मोड में है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर विधायक एक्शन मोड में नजर आए हैं। बात कर रहे हैं ताराचंद जैन की, जो अचानक से अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने औचक निरीक्षण किया। विधायक ने एएसबी यूनिट का भी जायजा लिया और अस्पताल प्रबंधन जो वहां पर अधिकारी मौजूद रहे उनसे भी बातचीत की। जो मरीज वहां पर पहुंचे थे उनसे भी उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। साथ ही साथ तीमारदारों से भी उन्होंने बातचीत की है और जो कमियां रह गई हैं, जो चूक हैं, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश विधायक की ओर से जारी किए गए हैं। तो विधायक अचानक से जब अस्पताल पहुंचे तो वहां पर जो अधिकारी मौजूद रहे वहां थोड़ा हड़कंप भी मच गया, लेकिन बाद में अधिकारी विधायक के पास पहुंचे और जो वहां पर व्यवस्थाएं हैं उसकी जानकारी साझा की गई। सहयोगी कपिल हमारे साथ हैं। कपिल, विधायक फुल एक्शन में अस्पताल पहुंचे, क्या तैयारियां देखी वहां पर, सब कुछ ठीक है अस्पताल में, सारी व्यवस्थाएं? बिल्कुल, देखिए जब से विधायक बने हैं ताराचंद जैन, उसके बाद में उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में लिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। उनका कहना है कि आचार संहिता लगी हुई थी पिछले कुछ समय तक और चुनाव के पहले पहले कई सारे काम जो है वो पेंडिंग हो गए थे, स्वास्थ्य सेवाएं भी इसमें काफी हद तक प्रभावित होने की संभावनाएं थी। तो अब जब पूरी मशीनरी फिर से सही तरीके से काम करने लगी है तो लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी वे हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल की जो एसएसबी यूनिट है वहां पर दौरा करते हुए उन्होंने वहां की समस्याओं को जाना और हॉस्पिटल प्रबंधन से उन्होंने चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को भी जानते हुए ये आश्वासन दिया कि वे इनको सरकार के स्तर पर इन समस्याओं को दुरुस्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य सेवाओं को लिया है और इसी के चलते लगातार हॉस्पिटल्स के आकस्मिक दौरे कर रहे हैं और आकस्मिक दौरों के मार्फत यहाँ की समस्याओं को जानते हुए सरकारी स्तर पर इसे दूर कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कुछ कमियां दिखी क्या विधायक को वहां पर, कपिल? देखिए, किसी तरह की कमियों को यहाँ पर टारगेट नहीं किया गया है। यहाँ पर जो उन्हें लगा कि ये और व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए उसको लेकर चर्चाएं की गई है और जो आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या फिर हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी जरूरतों से विधायक को अवगत कराया जो कि सरकार के स्तर पर पूरी होनी है। तो ये जरूरत और आवश्यकताएं जो है वो विधायक को बताई गई है और वे इन्हें नोट डाउन करके अब राज्य सरकार तक ले जाने के प्रयास में जुट गए हैं। जी ठीक है कपिल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ऐसा है कि पिछले 2-3 महीनों से चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई थी, सारी मशीनरी ठप थी, नई सरकार का गठन हुआ है, गठन के बाद आगामी समय में विधानसभा का सत्र भी चलेगा और सत्र के अंदर विभागों के अंदर कौन कौन से किस किस विभाग को किन किन कामों की ज़रूरत है और सरकार से उन मांगों के माध्यम से उन व्यवस्थाओं को जुटाया जाए। तो मैं आज हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ, माथुर साहब हैं, डॉक्टर सुमन साहब हैं और उनके सारे स्टाफ से चर्चा करके कुछ मूलभूत बातें जो मैंने इनसे समझी हैं तो इसमें से उन बातों को राज्य सरकार तक पहुँचाऊँगा, विभागों तक चर्चा करके इनमें से काफी कुछ व्यवस्था में और अधिक सुधार हो।
और करेंगे। इस बीच मिल रहे कौन